Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में हम साइंस और फिजिक्स को नहायत ईजी वे में एनिमेशन को यूज करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये एक ऐसा फिनोमिना है जो लाइट की नेचर को बताता है, जो बताता है कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर आल्सो. और इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन को 1905 के अंदर भी इसी फिनोमिने की बिना पर नोबल प्राइज भी दिया गया था. ये फिनोमिना है क्या और किस तरह से वर्क करता है, इसको हम एनिमेशन वे में समझते हैं. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या. फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट. यानी एक ऐसा इफेक्ट, ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लाइट की मदद से करंट जनरेट करते हैं, इसे हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पर देखें, एक मेटल की सरफेस पड़ी हुई है, एक मेटल बॉडी पड़ी हुई है, और जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, सो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट का नाम देते हैं. अब यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं इस लाइट के. एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो लाइट नीचे फॉल करेगी किसी भी मैटर सरफेस के ऊपर, इसकी इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है लाइट की. नंबर टू, इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है. हर तरह की जो लाइट होगी वो यहाँ से इस फिनोमिना को नहीं कर पाएगी, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अमिट नहीं कर पाएगी. वो खास फ्रिक्वेंसी वाली लाइट ही इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अमिट कर पाएगी, क्योंकि लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स अपना मोमेंटम इन इस मैटर सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को देगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके एमिट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे. सो दो पैरामीटर्स हैं लाइट के. नंबर वन, इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है, और नंबर टू, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है. तो इंटेंसिटी और खास फ्रीक्वेंसी पर ही ये फिनोमिना अकर करता है. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इंटेंसिटी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है. ओके स्टूडेंट्स, लाइट के जो है वो दो पैरामीटर्स हैं. एक है इंटेंसिटी और दूसरी है फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी रिलेट करती है ब्राइटनेस के साथ. यानी वो लाइट जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि करंट भी ज़्यादा जनरेट होगा. इसका सेकंड पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है कलर ऑफ लाइट के साथ. यहाँ पर आप देखें तो आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैं दिखा रहा हूँ. और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें मौजूद वेव्स किस तरह से काम करती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी कम होती है, किस वेव के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर इसी चैनल में अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ. अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं. सो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे रेडियो वेव्स है, और राइट साइड पे अगर मैं मूव करता हूँ टुवर्ड गैमा रेज, तो जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी. देखिए, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है ये सबसे ज़्यादा है, मगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रेडियो वेव से अगर आप मूव करते हैं राइट साइड की तरफ, तो वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है. अब स्टूडेंट्स, अब इसको हम डिटेल में जो है इसी कॉन्सेप्ट को एनिमेशन की मदद से समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे पास फेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देखें तो एक लाइट का सोर्स है, और इस लाइट के सोर्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं. हम इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. इसके अलावा हम इस लाइट की फ्रिक्वेंसी को या वेवलेंथ को भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब है, यानी एक ऐसी ट्यूब है जिसमें से एयर को रिमूव किया गया है. इसके अलावा यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. और स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड है ये, इसके मटेरियल को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. हम यहाँ पर सोडियम रख सकते हैं, जिंक रख सकते हैं, इसके अलावा बाकी कॉपर रख सकते हैं. तो यहाँ पर हम फिलहाल जो है सोडियम को ही रखते हैं. इसके अलावा नीचे देखें तो यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, इसी सोर्स और ये 8 वोल्ट का है. हम +8 वोल्ट और -8 वोल्ट तक इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में एक मीटर कनेक्ट है, जिसे हम एमीटर कहते हैं. और यहाँ से जो हम इसके ग्राफ्स को भी समझते हैं. तो प्रॉपरली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इंटेंसिटी रिलेट करती है ब्राइटनेस के साथ. इंटेंसिटी रिलेट करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स की ब्राइटनेस के ऊपर. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ से फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, यानी उतनी ही ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस होगी. सो यहाँ पर मैं इसकी ब्राइटनेस को
स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए मैं इसकी ब्राइटनेस को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इंक्रीज करता हूँ, और देखिए ब्राइटनेस को बढ़ाने से अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल प्लेट से एमिट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि ये सिर्फ इंटेंसिटी पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि खास जो लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी उसी पर जो है वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से बाहर निकल पाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है इसको 50% पर अपने मुताबिक जो है कोई 50% भी इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसा कि आपको मैंने पहले अभी दिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर देखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जस्ट आपको IR इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के दरमियान में जो है वो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, बट इससे पीछे भी आपको वेव्स होंगी, इससे आगे भी ये वेव्स होंगी। तो जैसे देखिए इंफ्रारेड से मैं मूव करता हूँ इस तरफ लेफ्ट साइड के ऊपर, इंफ्रारेड से मूव करता हूँ मैं अल्ट्रावायलेट की तरफ, तो स्टूडेंट जो वेवलेंथ है इन लाइट्स की वो कम होती जाएंगी लेकिन फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो देखिएगा जैसे जैसे मैं इसको लेके आता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर अल्ट्रावायलेट की तरफ लेकर आता हूँ, तो देखिए कि लाइट का कलर भी चेंज हो रहा है, मतलब लाइट का स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है, लाइट की वेव चेंज हो रही है। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, ऊपर आप देखें तो वेवलेंथ इसकी कम हो रही है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, हम जानते हैं दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, और अभी भी देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल प्लेट से एमिट आउट नहीं हुआ। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर जाके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, तो देखें ये वो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर वेवलेंथ शो की जा रही है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इंडिकेट नहीं हो रही, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से बाहर आ रहे हैं। इस कम से कम फ्रिक्वेंसी को, जिसके बाद मैं जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाती है, उस कम से कम फ्रिक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए जैसे जैसे मैं अब यहाँ पर देखिए अभी तक नीचे मैंने कोई भी बैटरी को ऑन नहीं किया, यहाँ पर बैटरी इस वक्त बिल्कुल रेस्ट की हालत में है। अब देखिए बैटरी के टर्मिनल को, ये वाला टर्मिनल बैटरी का होता है नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाले हिस्से पे नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस मेटल प्लेट से बाहर निकलेंगे तो ये वाली प्लेट जो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एनोड होगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो आपका जो है वो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए नीचे एम मीटर के ऊपर आपको कोई भी करंट इंडिकेट नहीं हो रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जनरेट हो चुका है लेकिन करंट अभी भी इंडिकेट नहीं हो रहा। तो देखिए अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्वेंसी को मजीद बढ़ाता हूँ तो यहाँ से जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगा, और देखिए नीचे आहिस्ता आहिस्ता करंट भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता जा रहा हूँ जिसकी वजह से यहाँ से एमिशन जो है इसका प्रोसेस स्पीड अप होता जा रहा है और करंट भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्वेंसी को मजीद बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्पीड से यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं और करंट भी आपको एमीटर से नज़र आ रहा है कि ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर आपने बैटरी को बिल्कुल जीरो पर रखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस फिनोमिना से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना से आपको करंट भी मिल रहा है। तो अब मैं ये काम करता हूँ, आपको मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया, अब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, क्या इंटेंसिटी के बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखिए इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो भी करंट आपका इंक्रीज डेफिनेटली करेगा। अब स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ ग्राफ दिखाता हूं और हम इस चीज़ को ग्राफिक के लिए भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको मैं ग्राफ दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रिक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट आउट हो रहे हैं इस मेटल प्लेट से और फ्रिक्वेंसी के दरमियान में कैसा ग्राफ बनता है, आइए इस चीज़ को देखते हैं। इसके लिए मैं फ्रिक्वेंसी को जीरो करता हूँ और यहाँ से हम चेक करते हैं शुरू से। अब देखें ये वाला ग्राफ फ्रेंड्स, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के दरमियान में हम ग्राफ को देख रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ से मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को, अब देखिए फ्रिक्वेंसी बिल्कुल जीरो पे है, फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ रही, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से नहीं निकले और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो जीरो पे है। देखिए यहाँ पर जीरो पे है, ब्लू कलर में आपको यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। जैसे जैसे मैं मूव करता हूँ लेफ्ट साइड पे और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, अब देखिए फ्रिक्वेंसी को आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिली, इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम नहीं मिला है कि यहाँ से वो एमिटर हो सके, तो एनर्जी जीरो पे अभी भी। मैं मजीद बढ़ा रहा हूँ, अभी भी जीरो पे ही है, देखिए ब्लू कलर की लाइन वहीं पर जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ लेकिन एनर्जी अभी भी जीरो पे ही है स्टिल। अब यहाँ पे करके तकरीबन ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि तकरीबन 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये वो कम से कम फ्रिक्वेंसी है
जो कि इस मैटर प्लेट को, जो कि इलेक्ट्रॉन को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि वो उस मैटर प्लेट से बाहर निकलाए, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये 0 से लेकर तकरीबन 0.7 के दरमियान में एनर्जी 0 रहती है, उसके बाद बिल्कुल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम करता है कि जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूँ वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है। सो ये ग्राफ हमने देखा। अब हम दूसरा ग्राफ को देखते हैं जो कि होगा हमारा करंट और इंटेंसिटी के ऊपर। इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं दिखाने के लिए और यहाँ पर लेके आते हैं इसको। अब देखिए इंटेंसिटी और करंट के दरमियान में मैंने एक ग्राफ को देखना है। तो सो यहाँ पर देखिए मैं इंटेंसिटी को चेंज करूँगा तो आपने यहाँ पर एम मीटर पर चेक करना है, करंट भी आपको कम ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा और आप ग्राफ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखिए करंट भी आहिस्ता आहिस्ता आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम से इंक्रीज नहीं कर रहा, ये जस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ से आप इस चीज़ को ग्राफ को समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ मैं तो करंट भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब तो हम लास्ट ग्राफ को देखते हैं जो कि है करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ। तो इस चीज़ को मैं इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ और अब हम देखते हैं यहाँ से करंट और बैटरी के वोल्टेज को। आप स्टूडेंट देखें ये बैटरी के वोल्टेज 0 थे तब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अगर मैं बैटरी के वोल्टेज को कम ज़्यादा करता हूँ तो आपको यहाँ पर करंट भी कम ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। आप इस ग्राफ को देखिएगा, देखिए मैं जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, तो देखिएगा करंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, करंट बिल्कुल कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं करंट बिल्कुल कांस्टेंट है। देखिए मैंने बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाए हैं लेकिन करंट बिल्कुल कांस्टेंट है, करंट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया। लेकिन अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता हूँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं बैटरी को रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स करने से क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ कि पॉइंट क्या है। देखिए जैसे मैंने रिवर्स किया तो रिवर्स करने से क्या हुआ, मेरा करंट 0 हो गया, ठीक है जी। जैसे मैंने दोबारा 0 पर लेके आया तो करंट आपका मैक्सिमम हो गया और कॉन्स्टेंट हो गया। इससे पीछे लेके आऊँ, देखिए बैटरी मैंने रिवर्स कर दी, जैसे बैटरी मैंने रिवर्स किया तो करंट भी 0 हो गया। अब करंट 0 क्यों हुआ इस बात को समझिएगा, जैसे मैंने बैटरी को रिवर्स किया अब ये वाला हिस्सा क्या बन गया हमारा, नेगेटिव, ठीक है जी। ये वाला जो पहले पॉजिटिव था अब ये बन गया नेगेटिव और ये वाली प्लेट बन गई पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव बन चुकी थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपेल कर रही है प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स अब इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुँचेगे नहीं तो हमारा साइकिल भी कम्प्लीट नहीं होगा और करंट भी 0 हो जाएगा। सो ऐसी पोटेंशियल जो कि इस वक्त तकरीबन -1.60 है, ऐसा पोटेंशियल जिस पे करंट 0 हो जाए उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ऐसा पोटेंशियल जिस पे करंट स्टॉप हो जाए उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्यों यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम चाहते हैं कि हम इन इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करना चाहता हूँ उसके लिए मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को यूज करता हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर मटेरियल को तो मैं मटेरियल को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं मटेरियल को चेंज करूँगा तो इस कंडीशन में देखिएगा, जैसे मैंने कॉपर यहाँ पर लेके आऊँ तो आप देखिए यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि फ्रिक्वेंसी अब चेंज होगी। अब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखें, अब देखिए फ्रिक्वेंसी साथ ही चेंज होगी। सोडियम की कंडीशन में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कुछ और थी, कॉपर की कंडीशन में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कुछ और हो गई है। इसका मतलब यह है कि हमारे मटेरियल को चेंज करने से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं ये भी चेंज होती है और हमारे ग्राफ्स भी चेंज होंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे वीडियो का होता है इख्तिताम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरेक्टिव सिमुलेशन की मदद से आपको टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।